क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे मेरे पास में, पता नहीं मैं कितने क्वेश्चंस का जवाब दे सकूंगा। बट ये पहला क्वेश्चन है सना खान और एमी शाह का, विच वन इज़ अ फेवरेट सीरियल एंड रोल डन बाय यू। मेरा सबसे फेवरेट, आई थिंक इस समय तो मैं रिपोर्टर्स कर रहा हूँ तो मेरे लिए रिपोर्टर्स ही है, क्योंकि कबीर के अंदर इतने सारे शेड्स हैं। इसके अंदर मेरे पास्ट में जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो सारे कैरेक्टर्स भी हैं। इसके अंदर सूजल है, इसके अंदर कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत है, वरुण अवस्थी है, सारे ही हैं इसके अंदर। तो आई थिंक फिलहाल तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ कबीर को, लेकिन जितने भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अपने टेलीविजन में, आई थिंक सारे के सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी एक को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सब में बहुत प्यार मिला है मुझे। तो आई थिंक आई विल हैव टू से ऑल ऑफ देम। बट अगर पिछले सीरियल जो मैंने कभी किए हैं जो पास में, उनमें से आई थिंक मुझे कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत बहुत पसंद है, क्योंकि बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे और उनकी बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और जिस तरह से ज़िंदगी को देखने का नज़रिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक अगर मुझे अपने पिछले शोज में चुनना हो तो कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत। दूसरा क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू आस्क वॉट वॉज द फनीएस्ट प्रैंक यू हैव प्लेड ऑन योर को-स्टार्स। प्रैंक, ये क्वेश्चन है सुरभि महेश्वरी एंड मिमी चौधरी फ्रॉम इस्लामाबाद का। प्रैंक मैंने मैं बहुत कम प्रैंक्स प्ले करता हूँ जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे ही खासकर इस सेट के ऊपर तो सब लोग वैसे ही थोड़ा सा रिस्पेक्ट के चक्कर में या कबीर की के डर की वजह से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। बट आई थिंक मैंने सबसे बड़ा प्रैंक जो मैंने कभी प्ले किया है वो होगा, आई थिंक हमने डराया था लेफ्ट राइट लेफ्ट के अंदर, जब हम किसी एक कैडेट को, हमने आई थिंक कुणाल था या पता नहीं कौन था, उसके अंदर हमने किसी को डराया था, क्योंकि हम रात को आउटडोर शूट कर रहे थे और मेरे डायरेक्टर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे अंशुमन किशोर सिंह। तो हमने पहले से तय कर रखा था कि जिस दिन हम लोग रात को उस दिन ऊपर पहाड़ के पास जाकर शूट करेंगे, उस दिन हम सब के सब अचानक उसको एक शॉट के लिए भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा लेक था। अगर जिन्होंने भी लेफ्ट लेफ्ट देखा है तो उस लोग जहाँ हम शूट करते थे वहाँ ऊपर एक लेक था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम उसको वहाँ पर भेजेंगे शूट करने के लिए, उसको बोलेंगे कि तेरा बैक शॉट है और हम पीछे से सबके सब निकल जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया था कि उसको रखा था वहाँ पे और उसको बोलता था कि लंबा तेरा शॉट है, बात करते रहे माइक पे, करते 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 पूरी यूनिट वहाँ से गायब हो गई थी और हम चुपचाप निकल गए थे। और उसको बोला था हमने कि लंबा शॉट है, वन टेक लेंगे, तेरे बाद कैमरा जाएगा दूसरे वाले के ऊपर, तो तू वहाँ से हिलना मत, क्योंकि तू हम लोग कोरियोग्राफ इस तरह से कर रहे हैं। और यहाँ पर लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं था, उसको वहाँ छोड़ के हम सब निकल गए थे। और उसके बाद कुमाल की जो हालत हुई थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो कभी भूलते नहीं हम। सो आई थिंक वहीं पे हमने एक वो प्रैंक मुझे हमेशा याद आता है, लेकिन जनरली मैं बहुत सारे ज़्यादा प्रैंक्स करता नहीं हूँ सेट के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है प्रीति तारिणी का, यू आर एक्सेलेंट इन द रोल ऑफ कबीर, आर देर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड योर ऑन स्क्रीन कैरेक्टर कबीर। जिस तरह का कैरेक्टर है कबीर और जिस तरह के भी कैरेक्टर्स मैंने पास में प्ले किए हैं कन्विशिंग के साथ में, वो सब रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स हैं। तो कबीर के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर भी क्वालिटीज़ हैं। आई थिंक मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ अपनी लाइफ में, बट कट थ्रोट वाला एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ अपनी तरीके से, तो आई थिंक वो एक सिमिलैरिटी है। हम दोनों थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं, मैं भी अपनी रियल लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हूँ, वो भी अपनी रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्स है कबीर। और उसके अलावा मैं भी बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होता हूँ अपनी रियल लाइफ में। इमोशनल मतलब जज्बाती बहुत हूँ मैं, कभी भी बहुत जज्बाती है, लेकिन बहुत अपनी रियल लाइफ में अगर मुझे मैं अटैच्ड भी रह सकता हूँ, मैं डिटैच्ड भी रह सकता हूँ। आई थिंक कभी में भी वो एक क्वालिटी है कि वो अटैच्ड भी रह सकता है, डिटैच्ड भी रह सकता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं हमारी सिमिलैरिटीज़। एंड कबीर एक डिफरेंट कैरेक्टर है, बट बहुत ह्यूमन है, इसीलिए हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं उसके साथ में, इसलिए हम लोग उसको समझ पा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आशा वलानी का, द रोल यू प्ले इज फैबुलस, इट हाईलाइट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज, हाउ मीडिया बिहेव, एनी एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प यू पोर्ट्रे। देखो आशा, जब आप एक पब्लिक डोमेन में होते हैं, जैसे मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, एक एक्टर हूँ, हमारा मीडिया के साथ में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मीडिया भी हमें उतना ही समझती है जितना मीडिया को समझते हैं। जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं जिनके साथ में हम लोग लगातार इंटरव्यूज़ करते हैं या मिलते हैं, उन्हें एग्जैक्टली मालूम होता है कि एक एक्टर इस समय इंटरव्यू क्यों दे रहा है,
क्यों नहीं दे रहा है, किसी सवाल को वो कैसे हैंडल करेगा, कैसे हैंडल नहीं करेगा, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा होता है। तो मैं बहुत सारे अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को जानता हूँ और मैं जानता हूँ जब वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्यों इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं या प्रोवोक करने वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप तो पहले समझ में आती है। एंड आई थिंक मैं जो समझने लगा हूँ अपने शो के बाद कि दैट कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी जर्नलिस्ट बुरा नहीं होता। आपके पास वर्क प्रेशर इतने होते हैं कि आपको कुछ करना पड़ता है, आपको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना होता है, तो उसके लिए कभी कभी आपको एक हेडलाइन बनाने के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ता है। आप कभी कभी क्रिएट करते हैं वो सिचुएशन ताकि आपको आपकी हेडलाइन मिल जाए जो स्टोरी आप लिखना चाहते हैं, विच यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट बिकॉज कि कोई इंडिविजुअली या पर्सनली आपके अगेंस्ट है या नेगेटिव है। सो आई हैव डेफिनेटली लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन द पास्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, बड़ा ही कड़क क्वेश्चन है, अंबर सलीम पाकिस्तान और रश्मि चौधरी का, आई यू हिटलर इन रियल लाइफ टू? क्या लगता है आपको, इसका जवाब मेरा क्या होगा? मेरी वाइफ समझती है कि मैं हिटलर हूँ, मैं कम से कम हिटलर बनना चाहता हूँ ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन हकीकत में हिटलर वो है घर के अंदर, जो वो चाहती हैं वो होता है। मैं सिर्फ हिटलर बनने की कोशिश में रहता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो होगा, या मुझे घर में कुछ चीज़ें सर्टेन तरीके से पसंद हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी तरीके से हो, सारी की सारी चीज़ें घर में मेरी वाइफ की तरीके से हैं। तो कहने के लिए तो मैं हिटलर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं हिटलर अनफॉर्चुनेटली। मैं बहुत ज़रा फ्लेक्सिबल हूँ, मैं बहुत ज़रा माइल्ड हूँ, तो मैं आई एम नॉट हिटलर इन रियल लाइफ। अगला क्वेश्चन है संजना राय चौधरी का, और वो क्वेश्चन है कि सपोज वन डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रियलाइज दैट यू हैव वोकन अप एज कृतिका खामरा, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल आई डू इफ आई वेक अप एज कृतिका खामरा? आई विल एक्चुअली बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो आई लुक एट द मिरर एंड आई से गॉड आई एम कृतिका खामरा एंड आई एम नॉट एनीवन एल्स बिकॉज शी इज सच अ प्रीटी गर्ल and such a wonderful actress. So I think first feeling would be that I'm so happy that I woke up as Kritika Kamra, who has such a huge following. She's so popular. And she's a lovely human being as well. तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे एक पल के लिए वैसा लगेगा कि नहीं यार यार मैं कृतिका क्यों बन गया, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं बना तो कृतिका बना, विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। एंड आई डोंट थिंक कि कृतिका बनने के बाद मैं राजीव बनना चाहूँगा दोबारा। सेवेंथ क्वेश्चन है नौशीन फ्रॉम बांग्लादेश का, व्हेन एंड वेयर यू मेट मंजरी एंड हाउ लव हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू? मैं मंजरी को मिला था एक पार्टी में, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, मैं कभी मंजरी को एक पार्टी में मिला था और मैं उनकी सिस्टर को जानता था। एंड मैं जब पार्टी में मिला, मुझे बताया गया कि ये वो मंजरी हैं, तो मंजरी उस समय डांस कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मुझे लगा जब मैं देखा मैंने तो मुझे लगा कि कोई इतना बेझिझक बिंदास डांस कर रहा है, उनको बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स के अलावा उन्हें और को दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो जो एक फ्री स्पिरिटेड गर्ल लगी मुझे दिखी सामने, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आई वॉज रियली इनामर्ड बाय हर दैट समबडी कुड बी सो फ्री एंड सो हरसेल्फ। शी इज़ वेरी हरसेल्फ, मतलब कोशिश नहीं करती हैं कि वो किसी और के सामने कुछ और बने, एंड वेरी कम्फर्टेबल इन हर ओन स्किन एंड वेरी हैप्पी गर्ल। And I think I was really attracted towards her. So मैंने उनको पूछा and then I asked her for to not her actually. I asked her sister for her number and her sister gave me her number and then I think after a couple of days I gave her a call, sent her a message. जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस समय कि लड़की को कैसे मैसेज भेजूँ। I sent her a message and hoping that she'll reply back and she didn't reply to my message for 24 hours. And I thought कि बड़ी एरोगेंट लड़की है और मुझे मैसेज जवाब में दिया उसने, बट देन शी हैड टू रिप्लाई, देन व्हेन शी रिप्लाई टू मी आफ्टर अबाउट 24 आवर्स आई वाज वेरी हैप्पी। देन वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड वी यूज टू ओनली डिसएग्री ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हेन वी मेट, एंड आई थिंक बिकॉज वी यूज टू डिसएग्री ऑन एवरीथिंग वी एग्रीड ऑन यू नो बीइंग विद ईच अदर फॉर लाइफ, सो दैट्स हाउ लव हैपेंड। एट्थ क्वेश्चन है जरतशा रोल का, हे राजीव आई लाइक योर शो, आई लाइक योर शो कहीं तो होगा, but then you left the show, tell me that what were your feelings when you used to see the new Sujal taking your place and did you watch the show after you left and for a single moment did you ever feel
any regret for leaving, because we were feeling so, we were so panicky when you left, and I stopped watching the show. Oh, what were your feelings? जब मैं देखा ही नहीं कभी नए सुजल को, मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं वो, क्योंकि मेरे कैरेक्टर में कोई और प्ले करे तो मुझे कैसा अच्छा लगेगा. बहुत ही ह्यूमन नेचर है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरा कैरेक्टर कोई और प्ले करेगा. मुझे लगता था कि सुजल, जब तक मैं प्ले कर रहा था उससे पहले ही ख़त्म हो गई थी सुजल की कहानी, लेकिन चूंकि उस शो में हम खींचना शुरू कर देते हैं, डेली सोप होता है, तो मुझे लगता है कि सुजल कशिश सबकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई थी. लेकिन चूंकि खींचा जा रहा था इसलिए मुझे भी करना पड़ा कुछ टाइम के लिए. जब मुझसे और नहीं खींचा गया तब मैंने छोड़ दिया था. और हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं जो भी नया कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करूं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही भी थी, लेकिन सच ये था कि मुझे लगा था कि कोई बचा ही नहीं है उस शो में और उस स्टोरी में. एंड दैट इज़ व्हाई आई लेफ्ट दैट शो. मैं देखा भी नहीं कभी उसके बाद में उस शो को कभी. और मुझे मालूम पड़ा कि 8-9 महीने के बाद में शो बंद हो गया था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे जाने की वजह से शो बंद हुआ. मुझे लगा था कि हर शो की एक लाइफ होती है, वो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ से ज़्यादा जी रहा था वो शो. एंड कुछ चीज़ें हमेशा एक दायरे में, एक सीमित, यू नो, एक लिमिट में ख़त्म हो जाती हैं तो वो अमर हो जाती हैं. इसलिए शायद आज तक याद रखते हैं लोग, क्योंकि अगर वो 4-5 साल और चलता तो आप भी उसे देख के बोर हो गए होते और फिर आप शायद उसे इतनी शिद्दत के साथ याद नहीं करते. सो आई नेवर रिग्रेटेड ऑल्सो बाय दैट शो, बिकॉज वो मेरा डिसीजन था, मेरा फैसला था. एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड आई न्यू एग्जैक्टली एज यू की वाई आई एम लीविंग दिस शो. So I have no regrets whatsoever about leaving that show at that. Ninth question, Rajiv, if you happen to be invisible for a day, what would be your first action? And figure out how do you get so much of emotions to do something like this, as something as creative as this. Like मुझे समझ में नहीं आया आज तक कभी कि इतना प्यार कोई कैसे किसी को कर सकता है. तो मैं एक्चुअल में अगर एक दिन इनविजिबल हुआ तो मैं किसी अपने फ़ैन के पास जाऊंगा, घर पे जाऊंगा जो इतने प्यार से चीज़ें करते हैं, और जानने की कोशिश करूंगा कि कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है, और किस एक्सपेक्टेशन के साथ आप इतना करते हो. क्या आपको भरोसा होता है कि ये हम तक पहुँचेगा, किसी एक्टर तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा. एंड कितना वेट करते हो आप, यू नो, कि दैट की मे बी समडे यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, और कभी कभी रिस्पॉन्स आता भी नहीं होगा. हाउ डू यू डील विद इट? तो अगर कहीं पे आप बैठे हो, पुणे में, लखनऊ में, कानपुर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बांग्लादेश में, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, हाउ डू यू रियली फील अबाउट से वॉचिंग मी ऑन स्क्रीन? आई वुड लव टू स्पेंड अ डे विथ यू. 10th क्वेश्चन है, क्रेजीएस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट टिल डेट? मनाली. मनाली क्रेजीएस्ट कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट नो वेदर एनी कॉम्प्लीमेंट इज क्रेजी और नॉट. एवरी कॉम्प्लीमेंट इज एन अप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशंस आर नॉट क्रेजी, आई थिंक. सो आई हैव गॉट, people have been very kind to me and they've really showered me with compliments, and I think I don't deserve half of them, you know, but I take it with all, say, humility. I accept all the compliments, but I would say somebody said that a lot of people say actually that I bring a smile on their face, and I think that would be the biggest compliment that I would consider. If I can bring a smile on your face, I think nothing can be bigger or better than that for me. जो लोग जिनके सवाल मुझ तक पहुँचे नहीं हैं, for all those who have sent your questions and I have not been able to read those questions or reply to those questions, maybe someday. Life is too long, so don't get disappointed. For all to all those who did not see their questions figured in this list, but someday I'm surely going to answer all your questions, and I keep writing to me. You know, all those who have my email ID or who have the other ways of reaching out to me, I hope I reciprocate all your feelings, and be good, be happy. Italy Chaska ka jo ek effort hai, bahut interesting effort hai. Mujhe malum hai jab aap log apne television sets par dekhte hain, aapke bahut sare actors, favorite actors honge, aap hum tak pahunchna chahte hain, aur agar koi madhyam mil jata hai, aur agar ya koi medium mil jata hai jinke through aap apne fans, apne actors, apne stars tak pahunch sake, so I think it's a wonderful medium, wonderful platform to bridge the gap between actors and people who admire them or admire their work. So my best wishes to Telly Chaska, and I hope you continue to bring fans closer to their actors.